जो लोगों को टर्मिनल इलनेस मतलब सीरियस इलनेस, सीरियस बीमारी हुई और जो अभी कुछ दिन बाद में मरने वाले हैं, ऐसे लोगों का जब इंटरव्यू लिया तो मालूम पड़ा कि उनको दुख ये बात का था कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें की नहीं उनकी ज़िंदगी में, और उसका क्या नहीं किया उसके बारे में बहुत दुख था, क्या क्या उसके बारे में खुशी नहीं थी। तो ऐसी कौन सी बातें हैं यदि आपको मालूम होती है तो आप वो आज कर सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम नहीं कि आप कब मरने वाले। तो आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन विज्ञ महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। तो ये जो लोग थे जिनके कुछ दिन बाकी बचे थे, उनके काफ़ी लोगों के इंटरव्यू लेके एक स्टडी किया गया, और वो स्टडी में कुछ कॉमन पॉइंट्स ऐसे सामने आए, और वो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई वो जो लोग मरने वाले थे उनको क्या लगा, कौन से बात का पश्चाताप लगा जब उनका इंटरव्यू लिया तो उनको क्या लगा भाई कि क्या करना चाहिए था, तो उनको क्या किया उसके बारे में खुशी नहीं थी, क्या नहीं किया उसके बारे में दुख था। तो ऐसे कौन से पॉइंट है? नंबर एक, उन्हें बोला कि मैंने कभी जिया ही नहीं मेरा जीवन ऐसा मुझे लगा, मुझे जो चाहिए था वो मैंने किया ही नहीं, मैंने हरदम लोग क्या कहेंगे लोग क्या कहेंगे लोग क्या कहेंगे उसमें जीवन जिया। मैं ऐसा करूं तो लोग क्या कहेंगे, मैं वैसा करूं तो लोग क्या कहेंगे, मैं ऐसा करूं तो मैं धंधा चालू करूं तो लोग क्या कहेंगे, नौकरी चालू करूं तो लोग क्या कहेंगे, मैं कभी अभी पिक्चर जाऊं तो लोग क्या कहेंगे, मतलब LKK सिंड्रोम हम जब बोलते हैं उसको, LKK सिंड्रोम, लोग क्या कहेंगे, या सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो हरदम लोगों के प्रेशर में, लोग क्या कहेंगे, लोगों के नज़र में मैं कैसा दिखूंगा, कभी रिसेप्शन में भी गया तो लोग क्या कहेंगे, मैं किसे बात करूंगा तो लोग क्या, ऐसे लोग जीते रहे। तो मैं तो कभी जिया नहीं जो मुझे करना चाहिए था, ऐसा उनको लगा। नंबर दो, उनको ऐसा लगा कि अपने अपने हॉबीज जो थी वो कभी मतलब शौक जो थे वो पूरे कभी कभी किए ही नहीं। ऐसा शौक था कि नहीं मैं तबला सीखूंगा, शौक था कि कभी झरने में जाऊंगा मतलब वाटरफॉल में जाऊंगा वहां स्नान करूंगा, ऐसा शौक था कि मैं बहुत बड़ी गाड़ी लूंगा एक दिन, वो गाड़ी में घूमूंगा या सैर करूंगा, विदेश में जाऊंगा कुछ यूरोप टूर करूंगा, या ऐसा अलग अलग था उनका कि भाई मैं मेरे हॉबीज़ या मेरे शौक जो थे या मेरी ऐसी इच्छा थी मन से कि मरने के पहले वो करना है, मगर कभी किया ही नहीं, वो तो आगे आगे टालते गए, कभी किया ही नहीं। नंबर तीन का मुद्दा उनका था कि मैंने परिवार को वक्त नहीं दिया, एक्चुअली मैंने पूरा काम परिवार के लिए किया मगर उनको टाइम दिया नहीं। जो बच्चों के लिए मैं बोलता था कि मैं बच्चों के लिए काम कर रहा हूँ, बच्चों के लिए कमा रहा हूँ, बच्चों के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, और बच्चों को टाइम ही दिया नहीं, बच्चे क्या कर रहे, ऐसा लगता था कि उनको कंधे पे लेके खेलना था, उनको घोड़ा घोड़ा करना था, उनके साथ में तैरने के लिए जाना था, उनके साथ में जंगल में घूमना था, उनको कभी सर्कस बताने के लिए लेके जाना था, उनको कभी एग्जीबिशन लेके जाना था, तो कभी टाइम दिया ही नहीं। ऐसा बोला जाता है कि आप मरने के समय आपका जो बैंक बैलेंस है जितना बचा हुआ है मरने के समय, इसका मतलब आपने उतना काम एक्स्ट्रा कर लिया, उतने ज़्यादा हार्डवर्क कर लिया जितना बैंक बैलेंस बचा है, क्योंकि आपको करना ही नहीं था, आपको वो काम का ही नहीं था, वो अमाउंट आपके काम का नहीं था मगर आपके बैंक में बचा हुआ है, इसका मतलब आपने उतना ज़्यादा काम कर लिया, उतना ज़्यादा हार्डवर्क कर लिया जिसकी ज़रूरत नहीं थी। चौथा पॉइंट जो है कि भाई लोगों को ऐसा लगा कि माफ़ नहीं किया मैंने लोगों को, कुछ लोगों को मेरे को माफ़ करने की इच्छा थी, मैंने खुन्नस पकड़ के रखी, उन्होंने जो किया वो किया, मुझे दुख लगता था कि उन्हें वैसा नहीं करना चाहिए था, मगर ऐसा भी लगता था कि नहीं एक बार जाके मिलूँ और उनसे माफ़ी मांग लूँ, उनसे मेरे संबंध अच्छे करूँ, मगर मैंने वो किया नहीं। तो उसे उसके बारे में लोगों को बहुत दुख लगता था कि मैंने माफ़ नहीं किया लोगों को। फिर पांचवा पॉइंट लगा कि भाई मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए थी लोगों की, मैंने गलती किया, मुझे मालूम था कि मैंने गलती किया, मैंने उनको दोष दिया, मैंने कुछ लोगों के ऊपर गुस्सा किया, मैंने किसका इंसल्ट किया हुआ था, मैंने किसको चीट किया था, तो वो मैंने पूरा करना चाहिए था मरने के पहले, मगर वो मैंने किया नहीं, करना चाहिए था मगर अभी लग रहा था मैं करता तो अच्छा रहता था, मैं सोच रहा था कि एक दिन करो एक दिन करो, अभी मरने का टाइम आ गया, तो मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए थी और सब क्लियर करने चाहिए थे मेरे ड्यूज़, या मुझे लेन देन का जो व्यवहार था वो क्लियर करना चाहिए था, मैंने किया नहीं है। फिर छः, मैंने खुद को कभी खुश नहीं रखा, उनको ऐसा लगा, उनको ऐसा लगा कि नहीं मैं एक दिन खुश हो जाऊंगा, आज नहीं, मैंने कभी प्रेजेंट मोमेंट जो है अभी का जो क्षण है उसमें मैंने कभी खुशी मेरे को मतलब खुश मेरे को समझा ही नहीं, या मैंने खुशी ली नहीं, मैं सोच रहा था कि एक दिन मैं जीऊँगा, एक दिन मैं खुश हो जाऊँगा। अभी जो चालू है ना वो तो ऐसी प्रैक्टिस की लाइफ चालू है, अभी जो मैं दौड़ रहा हूँ अभी दौड़ना ही पड़ेगा, अभी तो मेरे दिन है दौड़ने के, खुश तो एक दिन होऊंगा जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, तब जब मेरे बच्चे कॉलेज में जाएंगे, तब जब मेरे बच्चे कमा लेंगे, तब उस दिन मैं खुश हो जाऊंगा, आज नहीं, जब मैं रिटायरमेंट ले लूंगा, जब मैं मेरा खुद का मकान बांधूंगा तब मैं खुश होऊंगा, आज नहीं। तो खुद मैं कभी खुश हुआ ही नहीं, उनको लगा मैं तो हरदम बस दुखी हूँ और कुछ तो भी करने के लिए दौड़ रहा हूँ, ऐसा उनको लगा, तो वो खुश मेरे को होना चाहिए था। सातवां पॉइंट जो है कि मुझे लोगों की सेवा करनी चाहिए थी,
लोगों के जीवन में कुछ तो भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए था, योगदान देना चाहिए, तो मैंने किया ही नहीं। मुझे ऐसा बहुत दिन से लग रहा था, ऐसा लोगों ने बोला कि भाई लोगों की सेवा करूं, लोगों के लिए कुछ ना कुछ खड़ा रहूं, लोगों को सपोर्ट करूं, जो दीन दुबले लोग हैं उनके जीवन में कुछ ना कुछ मैं डोनेशन दूं या उनके लिए कुछ ना कुछ करूं। मुझे वृद्धाश्रम के लिए काम करना था, कोई बोले अनाथाश्रम के लिए काम करना था, वो मैंने किया नहीं। ऐसा काफ़ी सारे लोगों को बहुत सारा काम करने की इच्छा थी मगर वो किया नहीं, क्योंकि लोग जीते ऐसे हैं कि भाई करेंगे एक दिन, आखिरी दिन कब आएगा किसी को मालूम नहीं रहता, कब किसका आखिरी दिन आएगा, और वो आखिरी दिन मालूम नहीं है मगर जीते ऐसा है कि एक दिन आएगा वो दिन जिस दिन हम ये करेंगे। एक व्यक्ति मेरे पास में डिप्रेशन का आया, बहुत डिप्रेस लग रहा था। मैंने क्या हो गया भाई, ऐसा क्यों हो रहा है? तो बोले कि मेरे मामा के साथ में मेरे संबंध ठीक नहीं थे, मुझे मामा से जाके मैंने बहुत गलती किया उनके साथ में, थोड़ा उनका पैसा भी उनका नुकसान किया हुआ है, और मुझे ऐसा लगा कि मामा को जाके मैंने सॉरी बोलना चाहिए था, और मैं सॉरी बोलने के लिए मैंने प्लान भी किया था, मेरे से बात नहीं कर रहे थे वो, तो मैंने सोचा कि भाई अगले महीने में जाके मैं उनसे बात करूँ, एक बार सॉरी करके जो भी लेन देन का व्यवहार है वो पूरा करूँ। सोचा था कि अभी मेरे को समय नहीं है, अगले महीने में शनिवार इतवार जाऊँ और वो पूरा करूँ, प्लान किया था। मगर मुझे उसके प्लान करने के 2-3 दिन मालूम पड़ा कि भाई मामा हार्ट अटैक से चले गए, और उसके दिमाग में वो बात वैसी की वैसी रहेगी कि उनकी आत्मा को क्या लगता होगा। मैंने वो किया नहीं, इसका आत्मा भी तड़प रहा, उनका आत्मा भी तड़प रहा कि भाई इसको लग रहा था कि मैंने वो पूरा करना चाहिए था, वो वैसा रह गया। तो ऐसे लोग ऐसे जीते कि कभी ना कभी जिएंगे, एक दिन जिएंगे। तो ये जो लोग थे जिनको टर्मिनल इलनेस था, जिनको कैंसर के पेशेंट थे, उनको मालूम है भी कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में निकल जाने वाले, मर जाने वाले हैं, तो उनके जीवन में ऐसा लगा उनको कि मैंने क्या क्या नहीं किया। तो आदमी को दुख किस बात का है ज़्यादा कि मैंने क्या नहीं किया? तो भी आज ही आप एक लिस्ट बना लो कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या आप पोस्टपोन करते जा रहे हो, और वो तुरंत काम करना चालू करो, पता नहीं आपका दिन कब आएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।